वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज 2 अप्रैल 2018 है और हम द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं कैसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये आर्टिकल एयर इंडिया में प्राइवेटाइजेशन से संबंधित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सेंटर का आर्टिकल जुडिशरी से संबंधित है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये नीचे का आर्टिकल फेसबुक और पॉलिटिक्स के बारे में है, नॉट इम्पॉर्टेंट, कैन बी एलिमिनेटेड। यहाँ पर देखिए, एक हफ्ते पहले इजिप्ट में इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन इस इलेक्शन में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि ऑफिशियली रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि जो प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट हैं, अब्दुल फतेह एल सीसी, जो कि फॉर्मर मिलिट्री जनरल भी हैं, जिन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को सत्ता से 2013 में हटा दिया था। मुस्लिम ब्रदरहुड 2011 में ही सत्ता में आई थी जब अरब स्प्रिंग चली थी उस समय, लेकिन उसके 2 साल बाद ही जो वहाँ के मिलिट्री जनरल थे अब्दुल फतेह एल सीसी, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। डेफिनेटली जो रिजल्ट्स वगैरह होंगे वो इन्फ्लुएंस होंगे, बहुत फेयर इलेक्शन आप इसे नहीं कह सकते। आप इजिप्ट की लोकेशन यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, ये है इजिप्ट की लोकेशन, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है। और अगर आप डिटेल से देखना चाहें तो इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, यहाँ पर लीबिया है, यहाँ पर सूडान है, ये उसका सिनाई पेनिनसुला का हिस्सा है, जिसको एक समय में इसराइल ने कब्जा भी कर लिया था। हालांकि बाद में, इस शर्त पर कि वो इसराइल को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला को वापस भी कर दिया था। ठीक है, तो इतनी ही बातें महत्वपूर्ण है, बाकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, इस पेज पर यह आर्टिकल पाकिस्तान के फेल्ड स्टेट होने के बारे में है। तो कुछ अच्छे डायमेंशंस हैं, ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आंसर्स में तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत यूज़ आएगा, बट ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आर्टिकल बॉल टैम्परिंग से संबंधित है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये बातें हैं ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस के बारे में। आप इस प्रोग्राम के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें आप एक एक्सपीरियंस कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करते हैं, इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, जिसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से, अगर आप मेंस के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी सारी बातें उस टाइम मैनेजमेंट डायरी में मेंशन करनी होती है, और कोच उसे डेली बेसिस पर सुपरवाइज करते हैं। जब भी आप कोच से बात करते हैं तो डायरी के साथ बात करते हैं, ऑफलाइन में है तो डायरी के साथ मिलते हैं, ऑनलाइन में है तो मॉर्निंग में 10 बजे आपको अपनी डायरी को सेंड करना होता है। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्लाइड में नीचे की ओर दिख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं पीटी फैक्ट के बारे में। पहला जो है, दैट इज तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। देखिए, ये चंद्रपुर जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र का ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ये जो 50 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किए गए हैं अभी तक, उनमें से ही एक है। तदोबा जो नाम दिया गया है इस टाइगर रिजर्व को, वो वहाँ के लोकल गॉड तदोबा या तारू के नाम पर दिया गया है, जिनकी पूजा की जाती है वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल के द्वारा। और अंधेरी जो नाम दिया गया है, जैसे हम इसे तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहते हैं, तो अंधेरी जो नाम दिया गया है, वहाँ से एक अंधेरी रिवर फ्लो करती है, उसके नाम पर है। समटाइम्स इसे द जेवल ऑफ विदर्भा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला जो फैक्ट है वो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। देखिए, पीटी फैक्ट का मतलब होता है प्रीलिम्स टेस्ट, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके लिहाज से हम करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट्स को यहाँ पर देख रहे हैं, ताकि प्रीलिम्स को आप और अच्छी तरीके से टैकल कर सकें। थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत, वो आपको यहाँ से भी मिल जाए। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि पीटी फैक्ट का मतलब क्या है, दैट्स वाई मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग तो जानते ही हैं। देखिए, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है कालेश्वरम प्रोजेक्ट को। प्राणहिता चेवेला, ये एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी जिसको 2007 में शुरू किया गया था। प्राणहिता, जो कि एक गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर, हालांकि जब तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश में से, तो इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जो ओरिजिनल हिस्सा था उसका नाम अब प्राणहिता प्रोजेक्ट हो गया, जबकि जो दूसरा हिस्सा था उसका नाम कालेश्वरम प्रोजेक्ट रख दिया गया। इसे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, कुछ नदियाँ तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सरफेस पर फ्लो कर रही होती हैं। ठीक है, आप यहां से एक कैनाल निकाल दीजिए तो पानी जो है वो नेचुरली फ्लो करने लगता है, और आप नदियों के जरिए जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो आसपास के इलाके में दे सकते हैं। लेकिन कुछ नदियों का जो किनारा होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, रिफ्ट जैसी एक स्ट्रक्चर वहां पर बना होता है, हालांकि रिफ्ट तो बहुत गहरा होता है, बट नॉर्मली जो उनकी ऊंचाई होती है किनारों की, वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। तो आप अगर नेचुरली वहां पर रिवर्स बनाना चाहेंगे या कैनाल्स बनाना चाहेंगे, तो जो पानी है वो फ्लो नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक पंप सेट स्टैब्लिश करना पड़ता है, एक ट्यूबवेल स्टैब्लिश करना पड़ता है, जिसके जरिए आप पानी को नदी में से पंप करके इस कैनाल में डालते हैं। तो पानी को आप लिफ्ट करते हैं नदी में से और फिर उसको कैनाल में डालते हैं, तब वो फ्लो करता है। इसीलिए इसे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप सामान्य सी जानते रहिए। अब आइए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, रियूड वेकअप कॉल। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए जुडिशरी वाले सेक्शन से। देखिए, कुछ सेफगार्ड जरूरी हैं जब भी किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाए। तो
देखिए बेसिकली इम्पीचमेंट शब्दावली का इस्तेमाल जजेस को रिमूव करने के लिए नहीं किया गया है। इम्पीचमेंट शब्दावली का इस्तेमाल हमारे संविधान में केवल प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए किया गया है। हालांकि सामान्य भाषा में न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपको इस इम्पीचमेंट शब्दावली को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लोग सामान्य रूप से जो प्रोसीजर है वो लगभग काफ़ी टफ है, हालांकि उतना टफ तो नहीं जितना प्रेसिडेंट का है, फिर भी टफ है। तो इम्पीचमेंट शब्दावली का इस्तेमाल सामान्य शब्दों में कर दिया जाता है, हमारे संविधान में शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखिए अभी पूरा प्रयास चल रहा है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा कि वो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ एक इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, एक इम्पीचमेंट का प्रपोजल किसी भी हाउस में प्रपोज करें, रखें। आर्टिकल कहता है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए कि हम कुछ और सेफगार्ड इंश्योर करें किसी भी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट को लाने से पहले। आइए आगे बात करते हैं। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि रिमूवल का प्रोसीजर कैसे कंडक्ट किया जाता है किसी भी जज के खिलाफ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो। ये बातें मैंने इनसाइट से उठाई हैं, हालांकि बहुत जनरल बातें हैं, कहीं भी आपको मिल जाएंगी। हालांकि जो मेरा सोर्स है वो इनसाइट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए दो ग्राउंड्स होते हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा है इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी की हो या फिर किसी को एक झापड़ मार दिया हो। यहाँ पर मिसबिहेवियर का मतलब ये है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनसे कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। इनकैपेसिटी का मतलब यह है कि अपने काम को करने में सक्षम नहीं है। तो ये ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए इसके लिए फाइनली प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर के जरिए उनको उनके पद से हटाते हैं। उसके पहले एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन किया गया है। उस पूरे प्रोसीजर को, प्रोसीजर कुछ यूं है कि अगर लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है कि किसी पद को, किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाना है, तो 100 मेंबर्स के द्वारा उस प्रपोजल पर साइन होना चाहिए। और अगर ऐसा ही प्रस्ताव राज्यसभा में जा रहा है तो वहां पर कम से कम 50 मेंबर्स का साइन होना चाहिए। और यह प्रपोजल स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास रखा जाता है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन के पास, जो कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। स्पीकर और चेयरमैन के पास पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि वो उसे एडमिट करेंगे या फिर नहीं करेंगे उस मोशन को। एक बार अगर एडमिट कर लिया गया उस मोशन को, ये कह दिया गया कि ठीक है अगर 50 लोगों की सहमति है तो हम इस पर बातचीत करेंगे, तो 3 मेंबर्स की एक कमेटी का गठन किया जाता है जो कि उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो चार्जेस जो उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सही हैं या फिर नहीं है। उस कमेटी में कौन कौन हो सकता है? चीफ जस्टिस हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है। अगर देखिए इस कंडीशन में दीपक मिश्रा के खिलाफ, अगर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ अगर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं तो फिर वो उस कमेटी में नहीं होंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। इसके अलावा कोई चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, और एक कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे जो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हों लीगल मैकेनिज्म्स के बारे में। इसके अलावा अगर देखिए कमेटी उसके बाद ये पाती है कि जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाया गया है वो गिल्टी हैं, तो फिर उनके खिलाफ एक मोशन कंसीडर किया जाता है उस हाउस में। ये मोशन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ पास होना चाहिए, लेकिन जो मेजोरिटी आनी चाहिए 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% प्लस वन ऑफ टोटल। देखिए मेजोरिटीज के बारे में मैंने एक सेपरेट लेक्चर पॉलिटी के सेक्शन में बनाया हुआ है, अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए, 17-18 मिनट का वो एक लेक्चर है, आपको क्लियर हो जाएगा। अलग अलग मेजोरिटीज़ होती हैं, इस पर से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और हम कई बार गलत कर देते हैं, तो उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हालांकि अभी के बारे में आप इतना जानिए कि जो मेजोरिटी इस्तेमाल की जाती है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, दैट इज 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 50% ऑफ वन जो टोटल मेजोरिटी है हाउस की उससे कम नहीं होनी चाहिए। और अंत में अगर प्रेसिडेंट उस पर अपनी मुहर लगा देते हैं तो फिर उस जज को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाता है, उसको उसके पद से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है किसी भी जज को उसके पद से हटाने के बारे में। देखिए प्रिलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, बिकॉज अगर ये मुद्दा हाईलाइटेड है, न्यूज़ में है, तो पूरी संभावना है कि इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन बन जाए, और ये कुछ ट्रेडिशनल बातें हैं जो आपके काम आ जाएंगी अगर क्वेश्चन प्रिलिम्स में आता है तो, ठीक है। अब आइए आर्टिकल पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हमें और सेफगार्ड इंश्योर नहीं करना चाहिए जब भी किसी जज के ऊपर उसको रिमूव करने का प्रस्ताव रखा जाता है हाउस में? क्या इससे जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो हर्ट नहीं होती? अगर वो काम कुछ इंडिपेंडेंट मैनर में कर रहे हैं तो उन्हें डर सताता है कि कहीं उनके खिलाफ ऐसा कोई मोशन ना ला दिया जाए, उनको रिमूव करने का प्रयास ना किया जाए। हालांकि अगर वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देखिए डिग्निटी हर्ट होती है, लोगों का ट्रस्ट उस जज के ऊपर से हट जाता है जब एक बार उसके खिलाफ ऐसा मोशन ला दिया जाता है, तो उन्हें अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने में भी दिक्कत होती है। देखिए कई सारे तरीके हैं जिसके जरिए
जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो लेजिस्लेचर के जो काम हैं उनको चेक करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, काफ़ी उनको पावर्स दी गई हैं। जैसे कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रखा गया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है तो वो उसे डील करते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहा है उसके खिलाफ अगर कोई चार्जशीट दाखिल की गई है तो उस पर भी जो जुडिशरी है वो सुनवाई करती है। इलेक्शन से संबंधित पटिशन भी रखे जा सकते हैं जुडिशरी के सामने। इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में भी उनको काफ़ी अधिकार हैं। किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वैलिडिटी को अगर जज करना है वो सही है या फिर नहीं है तो इसका भी अधिकार दिया गया है हमारी जुडिशरी को, न्यायपालिका को। अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाना है, अगर उसने अपने एसेट को डिसअप्रोप्रिएट तरीके से रखा है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया, अपनी इनकम के सोर्स को डिस्क्लोज नहीं किया, तो इस बारे में भी जुडिशरी सुनवाई कर सकती है और करती है। एंटी डिफेक्शन लॉ को भी डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस को चैलेंज किया जा सकता है जुडिशरी में। इसके अलावा अगर प्रिविलेज मोशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है हाउसेस में तो उसको भी चैलेंज किया जाता है जुडिशरी में। आप जाके चैलेंज कर सकते हैं। प्रिविलेज मोशन का मतलब ये होता है अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या किसी भी लेजिस्लेचर ने अपने प्रिविलेजेस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन लाया जाता है, और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो फिर उसको पनिश किया जाता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा, चाहे वो स्पीकर हो या फिर चेयरमैन हो। ठीक है, तो कई सारे अधिकार दिए गए हैं हमारी जुडिशरी को, लेकिन देखिए इन अधिकारों के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाते हैं बिकॉज उनकी इंडिपेंडेंस की गारंटी होनी चाहिए। अगर वो जुडिशरी में इतने अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस का जो मैकेनिज्म है उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो उनका काम फेयरली होता रहे, ये ज़रूरी है। वैसे तो जो उनका टेन्योर है वो फिक्स है, इससे उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलती है कि उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता इन बिटवीन। लेकिन जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का या रिमूवल का जो प्रोसीजर है उससे कहीं ना कहीं उन्हें एक भय सताता है कि अगर एक बार उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर लॉन्च कर दिया गया तो जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है, उनकी रिपुटेशन ख़राब हो जाती है, और उसके बाद अगर वो गिल्टी ना भी पाए जाएं, उन्हें फ्री कर दिया जाए या वो जो रिमूवल का प्रस्ताव है वो कम्प्लीटली फेल हो जाए, फिर भी जो उनकी डिग्निटी हर्ट होती है, जो लॉस होता है, जो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी का लॉस होता है, आप उसे रीगेन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत दिक्कत होती है। उनकी जो इंडिपेंडेंस है उस बात की गारंटी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाने के प्रोसीजर में जो दिक्कतें हैं उसको ख़त्म करने के लिए आर्टिकल कुछ सजेशन देता है। देखिए ये भी कहते हैं कि यही सही तरीका है। सही तरीका आखिर क्या है? देखिए जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 और जजेस इंक्वायरी एक्ट में ऐसी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से किसी जज को हटाया जा सकता है। आर्टिकल कहता है कि जब भी कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सहमति दे रहा हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं उनकी सहमति ले लेनी चाहिए पहले ही। मतलब जितने भी जज हैं किसी एक के खिलाफ अगर प्रस्ताव लाया गया है तो बाकी के जजेस को चाहिए कि वो उस पर अपनी सहमति दें, तभी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए चेयरमैन के द्वारा या फिर स्पीकर के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि ये काम और इफ़िशियंसी के साथ हो तो आप एक टाइम फ्रेम भी डिसाइड कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को, या सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के अंदर यानी एक महीने के पहले ही अपनी जो कंकरेंस है वो दे, या फिर उन्हें कोई आपत्ति जतानी है तो वो जताएं। अगर वो एक महीने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप मान लीजिए कि उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। अगर आप उनकी कंकरेंस लेकर ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी और जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आखिर ये आर्गुमेंट क्यों दिया जा रहा है, रीजंस क्या हैं इस आर्गुमेंट के देने के, क्या ये आर्गुमेंट वैलिड है? देखिए चार इन्होंने आर्गुमेंट दिए हैं जिसके जरिए सब्सटेंशिएट करना चाहते हैं अपने सजेशन को। पहली बात तो देखिए जो सेकंड जजेस केस था, 3 जजेस केस आए थे, जो सेकंड जजेस केस आया था वो 1993 में आया था जिसमें कोलेजियम सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया था एक चीफ जस्टिस और 2 जजेस के द्वारा। उसके बाद जो थर्ड जजेस केस आया था 1998 में उसमें उन जजेस की संख्या को बढ़ाकर कोलेजियम में 4 कर दी गई थी। ठीक है, तो जो सेकंड जजेस केस था उसमें जजेस को अपॉइंट करने का अधिकार जुडिशरी को ही दे दिया गया बिकॉज कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत होती है सेकंड जजेस केस से। तो देखिए जो रिमूवल का प्रोसीजर होता है वो अपॉइंटमेंट से डायरेक्टली जुड़ा होता है। अगर अपॉइंट करने का अधिकार जुडिशरी के पास है तो रिमूव करने के प्रोसीजर में भी उनका से होना चाहिए। ये इनका पहला आर्गुमेंट है। इनका दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको भी इंश्योर किया गया था सेकंड जजेस केस में बिकॉज अपॉइंटमेंट का जो अधिकार था वो जुडिशरी को ही दे दिया गया था। लेकिन देखिए यहां पर जब उनको हटाने का प्रोसीजर शुरू होता है तो यहां पर जुडिशरी का कोई से नहीं होता, तो जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो भी हर्ट होती है। इसलिए भी जरूरी है कि जुडिशरी का से हो जब भी किसी जज को उसके पद से हटाया जाए। ये इनका दूसरा आर्गुमेंट है। इनका तीसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर किसी सिटिंग जज के खिलाफ
क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किसी भी मैटर पे लगाया जा रहा है, इसके संबंध में वीरास्वामी केस आया था। तो वीरास्वामी केस में भी जुडिशरी ने इसी बात को, इसी प्रोसीजर को असर्ट किया था कि जब भी कोई इम्पीचमेंट वगैरह का प्रोसीजर चलाया जाए तो एक बार सहमति ले लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद ही उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाए। ये इनका तीसरा आर्ग्यूमेंट है। इनका चौथा आर्ग्यूमेंट ये है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट में भी ये बात कही गई है कि जब भी चेयरमैन या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पीकर हैं, वो ऐसे किसी प्रस्ताव को अपनी सहमति दे रहे हों तो वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट कर सकते हैं जिसके बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए। मतलब कोई लीगल हर्डल भी नहीं है यहाँ पर, बिकॉज जजेस इंक्वायरी एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो स्पीकर हैं या फिर चेयरमैन हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस आधार पर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए जब भी वो किसी ऐसे प्रस्ताव को सहमति दे रहे हों जिसके जरिए किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल को आगे बढ़ाया जाना हो। तो चार बहुत ही बेहतरीन आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं इस आर्टिकल के द्वारा अपने इस जो उनका ये प्रस्ताव है, जो उनका ये सजेशन है, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए। ठीक है, देखिए अभी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे जुडिशरी को लगातार कमजोर साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। दिक्कत ये बात नहीं है, इस बात में नहीं है कि उन्हें कमजोर साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, दिक्कत इस बात में है कि वो अपने आप को पावरफुल होने के लिए एसर्ट नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कमजोर नहीं है। देखिए, जो कोलेजियम की रिकमेंडेशंस होती हैं उनको कई बार डिसरिगार्ड किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जुडिशियल वैकेंसीज इसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो जुडिशरी है वो कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है, जबकि उनके पास अधिकार भी है। वो मैंडेमस जारी कर सकते हैं। मैंडेमस 5 रिट में से एक रिट है, जिसके अंतर्गत जुडिशरी जो है वो किसी भी ऐसे पब्लिक ऑफिस को सम्मन कर सकती है कि अपनी पब्लिक ड्यूटी को अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। आर्टिकल ये भी कहता है कि अगर जुडिशरी को वीक परसीव किया जाएगा तब तो लोग इनकरेज ही होंगे कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाए। तो जुडिशरी को चाहिए कि वो टॉप से एक ऐसा मैसेज दें कि वो कमज़ोर नहीं है, और इससे जो जुडिशरी है उसमें कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा जनरेट होगा। आर्टिकल कंक्लूजन में कहता है कि देखिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो किसी भी गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव को भी बैड लाइट में दिखाती है अगर वहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम न कर रही हो। जो बिजनेस है वो भी इरोड होता है, टूरिज्म सफ़र करता है, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आती है, क्योंकि देखिए हमें बहुत ट्रस्ट होता है जुडिशरी पर कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो जुडिशरी उसे डील कर लेगी। लेकिन अगर हमारे मन में ये भावना चली गई कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कमज़ोर है, तो लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना भी आएगी, जो रूल ऑफ लॉ है वो भी ख़त्म होगा, इसके अलावा जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी नुकसान होगा। देखिए, अगर कोई सरकार ईमानदार है, वो अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो उसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी से डरने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो जुडिशरी जो है वो अच्छी तरीके से काम करे, ये बहुत ज़रूरी है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, हाई होप्स, पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने का पूरा जो प्लान है उसको तैयार कर लिया है। देखिए, 9 महीने पहले यूनियन कैबिनेट ने इसको अपना अप्रूवल दे दिया था, अभी एक प्रॉपर मेमोरेंडम भी तैयार कर लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान बनाया है कि वो 76% जो स्टेक है एयर इंडिया से वो बाहर निकाल लेंगे, और जो एयर इंडिया एक्सप्रेस एक सब्सिडरी है एयर इंडिया की, उसमें से भी 50% स्टेक्स को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि कुछ शो और सब्सिडरीज हैं लाइक अलायंस एयर, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें से अभी अपने स्टेक्स को निकालने की बात नहीं कही गई है सरकार के द्वारा। बहुत ज़्यादा डेट है एयर इंडिया के ऊपर, इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा कतरा रहे हैं इसके स्टेक्स को खरीदने के ऊपर। हालांकि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इंसेंटिवाइज करेंगे ऐसे लोगों को कि वो एयर इंडिया के स्टेक्स को खरीदें, जैसे एयर इंडिया के पास इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स हैं जिसके लिए काफ़ी जुगत लगानी पड़ती है बाकी एयरलाइंस को या जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको। अगर वो एयर इंडिया के स्टेक्स को खरीदेंगे तो ये अधिकार उन्हें अपने आप ही मिल जाएंगे, इस वजह से वो इंसेंटिवाइज हो रहे हैं, उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो एयर इंडिया के स्टेक्स को खरीद लें। देखिए, काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि डेट बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो हमें सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है अगर गवर्नमेंट को वो रिस्पॉन्स ना मिले इसके इन्वेस्टमेंट में जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि देखिए, सरकार ने अभी भी प्लान किया है कि वो 24% स्टेक्स को अभी बचा के रखेंगे अपने पास। उनका प्लान यही है कि बाद में अगर एयर इंडिया अच्छी स्थिति में आ जाती है तो उन्हें बाकी की जो 24% स्टेक्स हैं उस पर अच्छा दाम मिल जाएगा, हो सकता है आने वाले समय में वो इस 24% स्टेक को भी बेच दें। देखिए, एंड में आर्टिकल को कंक्लूड किया गया है ये बताते हुए कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 2019 तक जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, शेडिंग द क्राइसिस स्टेट इमेज, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी आप को एक वॉरियर नेशन के रूप में नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग नेशन के रूप में कन्वर्ट करें। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक फेल्ड स्टेट है, क्या आप जानते हैं कि फेल्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? आपको इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए। देखिए, कोई फेल्ड स्टेट एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी होती है जो अपनी जो बेसिक कंडीशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक सॉवरन गवर्नमेंट के तौर पे, उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी फेल्ड स्टेट के। पहला, उनकी अपनी खुद की टेरिटरी पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान में भी बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी हैं
जहां पर आतंकवादी बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चला रहे होते हैं और सरकार का उन टेरिटरीज पर कंट्रोल नहीं होता, उनकी मोनोपोली नहीं होती अपनी पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर, लेजिटिमेट यूज़ नहीं कर पाते वो अपनी पावर का, फिजिकल फोर्स का, ठीक है। तो ये फेल स्टेट का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि जो लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है वो कलेक्टिव डिसीजंस नहीं ले पाती किसी भी फेल स्टेट में। तीसरा लक्षण ये है कि वो प्रॉपर पब्लिक सर्विसेज अपने लोगों को नहीं दे पाते हैं। और चौथी बात ये है कि वो एक सॉवरेन या फुल मेंबर के रूप में इंटरनेशनल कम्युनिटी के दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप पाकिस्तान को इवेल्युएट करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि 1947 के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने बिहेव किया है आप उसे एक फेल्ड स्टेट का दर्जा दे सकते हैं, उसके अंदर ये चारों लक्षण विद्यमान है। आर्टिकल भी कहता है, देखिए आज पाकिस्तान की जो इमेज है वो एक डेंजरस टेररिस्ट इंक्यूबेटर या फिर लैंड ऑफ इंटॉलरेंट के रूप में देखी जाती है। देखिए इस आर्टिकल के बारे में, एक किताब के ऊपर बेस्ड है ये आर्टिकल, हुसैन हक्कानी जी ने ये किताब लिखी है जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके फ्रस्ट्रेशन को आप समझ सकते हैं, जो पाकिस्तान की इमेज है, जिस तरीके से पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया जाता है दूसरे देशों में, इस तरीके से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं वहाँ के लोग। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है। पाकिस्तान देखिए एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन पिछले 70 सालों में जिस तरीके से उसने बिहेव किया है, इस तरीके से आप उसे डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक स्टेट के रूप में वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। 4 फुल फ्लेज्ड वॉर लड़े हैं पाकिस्तान ने, एक जीनोसाइड हुआ है वहाँ पर, कई सारे 4 डायरेक्ट मिलिट्री कूप्स हुए हैं, पॉलिटिकल एसेसिनेशन के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, टेररिज्म को पनाह दी जाती है वहाँ पर, एक्सटर्नल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की चाइना और यूएसए के ऊपर, इसके अलावा सोशल अंडर डेवलपमेंट भी प्रिवेल करता है पाकिस्तान में। इस कंडीशन में पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए और देशों की तरह पाकिस्तान भी मोनोलिथ नहीं है, वहाँ के लोगों में भी एनर्जी है, टैलेंट है, वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशंस हैं वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अभी स्टैग्नेंट बनी हुई है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमज़ोर पड़े हुए हैं, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के पीछे पड़े हुए हैं और जो रियल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है पाकिस्तान में और उनके जो टेररिस्ट हैं वो यूरोप और बाकी जगहों पर जाकर जो पाकिस्तान का असली चेहरा है वो लोगों को दिखाते रहते हैं। इंटरनेशनल असिस्टेंस जो पाकिस्तान को पहले मिला करता था यूएसए, चाइना और सऊदी अरेबिया के द्वारा, वो भी अब उस तरीके से नहीं मिल रहा है जो पहले मिला करता था। चाइना हालांकि सपोर्टिव बना हुआ है, लेकिन कब तक? जो उग्यार जिहादिस्ट हैं जिनजियांग प्रोविंस में, उससे चाइना काफ़ी चिंतित रहता है और पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास करता रहता है। इस लिहाज से पाकिस्तान के पास कई सारी समस्याएं हैं। इस कंडीशन में आखिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ना पूछा जाए ये बात, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसे में हो सकता है आपको बताना पड़ जाए कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, जहां पर आपके पास बताने का स्कोप भी होता है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो उनका नैरो आइडियोलॉजिकल पैराडिगम है वो उसको चेंज करें और जो पाकिस्तानी नेशनलिज्म है उसे रियल सेंस में उभारने का प्रयास करें, जो नैरो नेशनलिज्म है पाकिस्तान में वो उससे दूर हटने का प्रयास करें। दूसरी बात कि जो वहाँ के लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लोगों को, जो हमेशा वो उनको ये बता के रखते हैं कि पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तान थ्रेट में है, वो उन्हें इस बर्डन से मुक्त करें। अरे यार पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, क्या न्यूक्लियर वेपन कंट्री को या वहाँ के लोगों को इस तरीके से फियर और इनसिक्योरिटी में जीना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान जीता है? उन्हें हमेशा भारत से खतरा बताया जाता है कि भारत से उनको खतरा है, भारत जो है वो पाकिस्तान को खा जाएगा। उन्हें ये समझना चाहिए कि वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ कोई भी स्टेट अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो इतनी आसानी से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाता। हालांकि पाकिस्तान ये बात नहीं समझता, वो दूसरी बात है, क्योंकि 1999 में उन्होंने ये बात जानते हुए कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उन्होंने इंडिया से लड़ाई लड़ी, लेकिन इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, वो किसी भी ऐसे देश के साथ फुल फ्लेज्ड वॉर में जानबूझकर नहीं जाएगा जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स को रखे हुए है। तो पाकिस्तान के लोगों को एक्चुअली में डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनके अंदर एक डर पैदा करके रखते हैं, क्योंकि इसी से जो उनका बेस है वो तैयार होता है। पाकिस्तान के लोगों को साइकोलॉजिकली इस बात से फ्री करना चाहिए और उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करना चाहिए, वहाँ पर प्लूरिज्म और सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाना चाहिए, जो मिलिटेंट जिहादी ग्रुप्स वहाँ पर पनप रहे हैं उनको ख़त्म करने की आवश्यकता है, उन्हें जो आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म है उससे दूर हटकर फंक्शनल नेशनलिज्म में कन्वर्ट करना चाहिए, स्ट्रांग और पॉजिटिव नेशनल नैरेटिव तैयार करना चाहिए पाकिस्तान को, और वहाँ की मीडिया को भी रिस्पॉन्सिव रोल प्ले करना चाहिए। बिकॉज देखिए वहाँ की जो मीडिया है वो भी काफ़ी इंस्टिगेट करती है वहाँ के लोगों को, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को। हमने एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था जिसमें हमने बात करी थी
कि जब मीडिया किसी मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देती है तो उस पर एक्शन ले लिया जाता है, और ऐसा पाकिस्तान में भी होता है। वहाँ की जो मीडिया होती है वो इतनी ज़्यादा पोर्ट्रे करती है जो इंडिया है, पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के खिलाफ, कि अल्टीमेटली वहाँ की सरकार भी प्रेशराइज हो जाती है कि वो इंडिया के खिलाफ एक्शन ले। और वहाँ के मिलिट्री का जो रोल है उसके बारे में सभी लोग परिचित हैं। अगर इंडिया के डायमेंशन को आप देखना चाहें तो पाकिस्तान को चाहिए कि जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी का पैराडिगम है, जो वो इंडिया से जोड़ के रखते हैं, वो उसे अलग करें, वो अपने आप को एक ट्रेडिंग नेशन के रूप में पोर्ट्रे करें, बजाय इसके कि वो एक वॉरियर नेशन के तौर पे अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि जो ट्रांसशिपमेंट है, जो एक रूट है, वो उसे खोल दें ताकि इंडिया भी एक्सेस कर सके मिडिल ईस्ट को, सेंट्रल एशिया को। इससे फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि गैस पाइपलाइन पाकिस्तान और ऑयल पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन से होकर गुजरेंगी, जिसका फ़ायदा बेनिफिट पाकिस्तान भी पाएगा। इंडिया और अफगानिस्तान, उसके बाद जो अभी इंडिया और अफगानिस्तान दोनों पाकिस्तान के दुश्मन कंट्रीज़ के तौर पे पाकिस्तान दोनों को पोर्ट्रे करता है, वो उसके एक ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएंगे। देखिए, इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस ख़राब हों। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ के आता है तो हम उन्हें असिस्ट भी करेंगे, उन्हें कई तरीके से फ़ायदा होगा। वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ेगी, ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बेहतर होगी। इंडिया ने इन फील्ड्स में काफ़ी ग्रो किया है। अगर वो इंडिया के साथ कोलाइड होंगे तो इसका फ़ायदा उन्हें डेफिनेटली मिलेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हो? वट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल्स के साथ। इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, एक मुद्दा जो अभी बहुत हाईलाइटेड है। आप अपना ओपिनियन दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने चेंजेस किए हैं SC और ST एक में थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है इसे, इसके बारे में आप अपना ओपिनियन दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुद्दों पर आपका अपना ओपिनियन भी होता है, या फिर आप जो लोगों से बातें सुनते हैं या जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वही बातें दोहरा देते हैं, या आपका अपना खुद का ओपिनियन भी किसी मुद्दे पर कुछ होता है जो कि आपको डेफिनेटली डेवलप करना चाहिए, तो आप SC ST एक्ट में जो डेल्यूजन किया गया है उसके बारे में आप अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर जो मेरा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन।